मुझे लगता है इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है, ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, वन टू, ये ऐसे खड़ा हो गया भाई, दौड़ना नहीं है, इसने शराब पी के गा रहे। सलमान खान कौन बोल रहा है? अब जैसे कि आप एक गाड़ी के अंदर हो और आप गाड़ी चला रहे हो, या लेट से आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर गाड़ी के सामने एकदम से कोई आ जाता है तो आपके पापा क्या करेंगे? लेकिन ब्रेक जब उन्होंने उस पर्सन को, उस गाय को, उस जानवर को देखा, और जब उन्होंने क्या मारी ब्रेक, उसके बीच में टाइम गैप होता है, उसे ही बोलते हैं क्या, रिएक्शन। हुआ क्या, आपके पापा की आंखों ने सबसे पहले उसे देखा, यही हुआ। उसके बाद वो सिग्नल उनके कहाँ तक गया, ब्रेन तक। ब्रेन ने कहा अरे भाई क्या मारनी पड़ेगी, ब्रेक मारनी पड़ेगी। वो सिग्नल आपके पापा के पैरों की मसल्स तक गया, आपके पापा की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हुआ और उन्होंने क्या मार दी, ब्रेक। अब इस दौरान समय लगा होगा, इसे कहा जाता है रिएक्शन टाइम। क्या कहा जाता है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे एक इंडियन क्रिकेटर के लिए जिनका नाम महेंद्र सिंह धोनी जी है, आगे जी लगाना जरूरी होता है ऐसे लोगों के बेटा। उन्होंने, उनका रिएक्शन टाइम 0.09 सेकंड्स रहा है एक स्टंप में। ऐसा कहा जाता है कि जब एक इंसान ब्लिंक करता है आंख तो 0.1 सेकंड में करता है, और उन्होंने उससे भी कम समय में एक बार बॉल को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे स्टंप में मार के स्टंप उड़ा दी। लेकिन ये रिएक्शन टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप सबका, तो आज हम ये देखेंगे क्लास के अंदर कि हाँ यहाँ पे कौन महेंद्र सिंह धोनी छुपा हुआ है। ऑल दो रिएक्शन टाइम एक बारी में नहीं निकाला जाता, इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ क्या, ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे हम यहाँ से ना स्केल को ड्रॉप करेंगे, बस आप जो भी यहाँ पे खड़ा होगा उसको अपना हाथ यहाँ रखना होगा, मैं स्केल को छोड़ूंगा, उसको स्केल को पकड़ना है। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, मेरे लिए तो ये बहुत आसान रहा क्योंकि मैंने ही छोड़ा और मैंने ही पकड़ा, तो मुझे पता है मैं कब छोड़ने वाला, मैंने उससे पहले ही पकड़ लिया बच्चे। लेकिन ये प्रोसेस आपके लिए मज़ेदार हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि मैं इससे कब रिलीज करने वाला हूँ। फिर क्या होगा, हम यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे, लेट्स से हम लोग शुरुआत करेंगे 0 सेंटीमीटर से, किससे, तो आप स्केल को कहाँ पकड़ते हो, लेट्स से आप 18 सेंटीमीटर पे पकड़ते हो, हमें वो डिस्टेंस निकालना है। उस डिस्टेंस की मदद से हम आप सबका क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन टाइम। तुम दोनों आते हो या आगे बैठे हैं इसलिए बुला लेते हैं? हाँ अच्छा, हम ना ऐसा करते हैं, हाँ अच्छा रिएक्शन टाइम कभी दोनों ऊपर आ जाओ। तो चिपक गए मेरे से, सुनो यहाँ नीचे खड़े हो जाओ यार। हाँ अब क्या करेंगे, सुनो चश्मा उतार दो, नहीं कुछ कुछ नहीं होने वाला ऐसा, सुनो अच्छा ये क्या थोड़ा प्यार मोहब्बत वाले गेम नहीं खेल लेते, ये पंखा बंद करना, फोटो वाले अबे नहीं यार पागल हो गया, माथे से करना इनको। बच्चों ये क्या करेंगे, अच्छा इनको पेपर अबे यार सुन, आपको ये पेपर तो दिख रहा होगा ना, आप लोग क्या करना है, एक दूसरे के माथे से माथा टच करना है और उस पेपर को ब्लॉक करना है, ठीक है? देखते हैं तीन बारी में से कितनी बार करता है, मुझे लगता है इनकी जोड़ी बड़ी अच्छी है और ये बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे, ठीक है बच्चों? ऐसे धम मत मार देना, कैसे करोगे पहले बताओ। चलो अच्छा, मैं 1 2 3 नहीं बोलूंगा, उन्हें पता लग जाएगा इनको, हम ऐसे बातें करते करते छोड़ेंगे, ठीक है? ये धीरे धीरे पास आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। अच्छा चलो आओ, अरे यार 1 2 3 भाई तुमने क्या, कह रहे साइंस के लिए मैंने जान खतरे में, ताली मार दो बच्चे के लिए। काम क्यों रहे हो तुम, तुम्हें अब आगे नहीं आना हुए, इसको पकड़ना है। No!
इट इज अप्रोक्सीमेटली 26 सेंटीमीटर। बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुकेश और सिगरेट पियो तुम। 20 सेंटीमीटर। आप उसका कंसंट्रेशन देख रहे हो आप? ये ऐसे खड़ा हो गया भाई, दौड़ना नहीं है। मुझे लग रहा है चार पे पकड़ लेगा ये जूनियर धोनी निकलेगा। बहुत बढ़िया, 16 सेंटीमीटर। 16 टाइम नहीं निकाला, रिएक्शन टाइम तो अभी हमें निकालना है, और देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी को कोई बीट कर पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी जी का क्या टाइम है बेटा? 0.09 सेकंड्स। देखते हैं कि इसके पास पास भी कोई होता है या इसके इसको इससे भी कम रिएक्शन टाइम होता है कि नहीं, फिर तो ये वीडियो धोनी जी तक पहुंचाएंगे हम। चलो अब टाइम आ रहा है 0.22 सेकंड्स। कितना आ रहा है? 0.22 सेकंड्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन टाइम निकालें किसका? कृति का, जो अपनी 0.2 सेकंड्स आ गया। कितना आ गया बच्चों? 0.2 सेकंड्स, विच इज 0.17। कितना आ गया? 17 क्या बच्चों? सेकेंड। अब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो रिएक्शन टाइम आया है, ये रिएक्शन टाइम वेरी किया जा सकता है। क्या ये तीनों बच्चों इस रिएक्शन टाइम को और कम कर सकते हैं? कैसे? इसको प्रैक्टिस करके। बच्चों आपको पता है शराब पी के गाड़ी चलाना अलाउड क्यों नहीं है? एक्चुअली यहाँ पे सारा का सारा खेल रिएक्शन टाइम का ही है। किसका है? देखो होता क्या भाई साहब, मान लो आप एक रोड पे क्या चला रहे हो, गाड़ी, आपको एक गली दिख गई। yes, अब नॉर्मल बंदा जिसने शराब नहीं पी रखी है उसका रिएक्शन एक्शन टाइम नॉर्मल है। yes, उसने गली देखी और स्टीयरिंग घुमा दिया, गली के अंदर गाड़ी मुड़ गई। अब जब कोई शराब पीता है तो उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। क्या होता है? जब कोई शराब पीता है तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं, जो सिग्नल्स ब्रेन तक लेके जाते हैं वापस लाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं। इसके मैकेनिज्म आप बड़े होकर पढ़ोगे। अब इन दैट केस होता क्या है कि उसने गली तो देख ली लेकिन उस पर रिएक्ट क्या किया? लेट, और गाड़ी घुमा दी, गली तो निकल चुकी है, गली तो पार हो चुकी है, लेकिन उसने स्टीयरिंग, आप समझ रहे हो, रिएक्शन टाइम बाद में, तो गली तो निकल चुकी है। तो इन दैट केस वो उसने कट मारा बाद में और गली के पार, आगे तो बेटा दुकान है और या फुटपाथ है, उसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, तो प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। इसलिए शराब पी के गाड़ी, सलमान खान कौन बोल रहा है?